लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई जीतने के लिए राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रैलियों और रोड शो के अलावा इस बार एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कई डिजिटल वीडियो और गाने लॉन्च किए हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी अपने कार्यकाल का बखान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस न्याय योजना को ही अपना थीम सॉन्ग बनाकर वोटरों को लुभा रही है। हो, उन्नति हो, हो, प्रगति हो, किसान पाए हर नौजवान। अब किस पार्टी ने कौन सा गाना जारी किया है और इनमें क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर न्याय योजना लागू करने का वादा किया है, जिसके तहत करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। कांग्रेस ने इसी को भुनाने के लिए एक गाना लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है अब होगा न्याय। अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूं। अब होगा न्याय। इस गाने में न्याय योजना के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी तक कई विज्ञापन जारी किए गए हैं, जो सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों में छाए हुए हैं। भाजपा के विज्ञापनों के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनमें मोदी है तो मुमकिन है, चलो फिर एक बार मोदी सरकार बनाते हैं जैसे गानों को शामिल किया गया है। मुमकिन को मुमकिन कर दे, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे विज्ञापन बना रही है, जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को भुनाया गया है। बीजेपी ने युवा वोटरों को साधने के लिए रैप का भी सहारा लिया है, जैसे पहली बार वोट डालने वाले लोगों के लिए रैप सॉन्ग लॉन्च किया गया है। इन वीडियोस और गानों के अलावा भी रोजाना दोनों पार्टियों की तरफ से ट्विटर पर कई हैशटैग चलाए जाते हैं, जिन पर बहस छिड़ती है। तो अब चुनाव का समय है, तो आप भी इन विज्ञापनों और गानों का आनंद लीजिए और वोट जरूर कीजिए। और चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए आजतक.in के साथ बने रहिए।